बारिश की सीजन हो और ब्रेड पकौड़ा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? जी मैं हूँ आपकी शेफ करुणा बिल्डर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल मज़ेदार सा ब्रेड पकौड़ा, तो चलिए देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। उल्टा वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का गोल प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेसन और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से बनेंगे। पिंच हम इसमें हल्दी भी डालेंगे। भी अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी की हेल्प से इसका एक बैटर बनाएंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालेंगे आप। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और बनाएं ताकि कोई भी लम्स ना रहे। बेसन आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, बारीक मोटा जैसा भी हो, लेकिन मीडियम बेसन मुझे पकौड़े के लिए अच्छा लगता है इस तरह से, तो मैंने मीडियम लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन बेसन नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। हमारा जो बैटर है वो तैयार है। 2 कप में थोड़ा सा पानी बचा है। इतनी बार बेसन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पानी जाएगा, तो एक बार में जितना मेजरमेंट दिया है सारा ना डालें, धीरे धीरे करके डालें। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बना लेते हैं हमारा आलू का मसाला। अब हम बना रहे हैं आलू का मसाला। उसके लिए मैंने एक पैन में लिया है ऑयल। इसमें हम डालेंगे राय, थोड़ी सी हींग, कुछ करी पत्ता इस तरह से कट करके। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और लहसुन। इसको मैंने कूट के लिया है। जनरली जब ये मसाला बनाते हैं कूट के लिया जाता है ठेचे की तरह, लेकिन अगर आप मिक्सी में कर रहे हैं तो हल्का क्रश करें, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट ना करें। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि हम लाल मिर्च नहीं डालने वाले हैं इसमें। इसी के साथ अदरक ग्रेट किया हुआ। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हरी मिर्ची और अदरक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा सौते हो जाए उतना ही करना है आपने। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल पोटैटो जो मैश किए हुए हैं। इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर, अगर आप नींबू डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। नमक, फाइनली हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। मैंने इसमें कोई भी गरम मसाला नहीं डाला, क्योंकि हरी मिर्ची का फ्लेवर हमने बहुत अच्छा दिया है इसमें, स्ट्रॉन्ग सा। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक हम ग्रीन चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। हरे धनिया की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया मिक्सर जार और उसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया अच्छे से वॉश करके। इसमें हम डालेंगे गार्लिक, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके साथ ही हरे मिर्च, नमक, यहाँ पे थोड़ा काला नमक भी मैं डाल रही हूँ तो उस हिसाब से आप डालें इसमें। नींबू का रस, जीरा। इसमें हम एक चीज़ डालने वाले हैं, वो है कैप्सिकम। इसकी वजह से जो आपकी चटनी का कलर है वो बहुत अच्छा सा ग्रीन रहेगा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमकीन, 0 नंबर वाली जो नमकीन होती वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप पीनट्स भी यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं, वो है थोड़ा सा ऑयल। अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ग्राइंड करेंगे। चटनी हमारी ग्राइंड होकर रेडी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा अच्छा सा कलर आया है। जब इसे आप ग्राइंड कर रहे हैं तब पानी की जगह आपने आइस क्यूब डालना है, इससे भी इसका जो कलर है वो मेंटेन रहेगा। आलू मसाला हमारा तैयार है और हमारी जो ग्रीन चटनी है वो भी तैयार है। यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइस, इस पर हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। 2 पे हमने ग्रीन चटनी लगाई थी, 2 पे हम टोमेटो केचप लगा रहे हैं। अब हम लगा लेंगे आलू का मसाला। दूसरी वाली स्लाइस से इसको कवर कर देंगे और इस तरह से रख के हम फिर इसको ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। अब हम इन्हें बेसन के गोल में डिप करके फिर फ्राई करेंगे। रेडी है हमारा बिल्कुल स्ट्रीट वाला ब्रेड पकौड़ा, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत मज़ेदार है। आप चाहें तो इसमें बीच में पनीर स्टफ कर सकते हैं या फिर चीज़ का स्लाइस भी रख सकते हैं। अगर चीज़ रखेंगे तो आपका चीज़ का ब्रेड पकौड़ा हो जाएगा, और पनीर भी बीच में स्टफ करेंगे तो आपका पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा हो जाएगा।
तो देखा आपने, ये हलवाई वाला कह लो चाहे स्ट्रीट वाला कह लो, मज़ेदार सा ब्रेड पकौड़ा कितना टेस्टी और कितना टेम्पटिंग है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसी कुछ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।